नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट वाइज। हम बात करने वाले हैं यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग ने वैकेंसी निकाली है, 65 वैकेंसी आई है एग्जामिनर ऑफ ट्रेडमार्क्स की यानी एग्जामिनर टीएम एंड जीआई की। ये जो वैकेंसी आई है ये आई है पेटेंट डिपार्टमेंट में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पेटेंट डिपार्टमेंट है डिजाइनर ट्रेडमार्क्स का उसमें। और इसमें एससी की 9 वैकेंसी है, एसटी की 5 है, ओबीसी की 17 है, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की 6 वैकेंसी है और 28 वैकेंसी आई है सामान्य की। बहुत ही शानदार ये भर्ती है, इसमें अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी लगभग 50,000 रुपये महीने, आपको लेवल 7 में शामिल किया जाएगा 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, यानी आपकी सैलरी होगी 44,900 प्लस अलाउंसेज। एज लिमिट है इसके लिए मैक्सिमम 30 साल। इसमें एससी ओबीसी को एज पर रूल रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बात कर लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो इसके लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए लॉ में, यानी आप एलएलबी हो, चाहे आपने बीएलएलबी कर रखा हो या फिर 3 साल की एलएलबी कर रखी हो, आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कोर्ट केस हैंडलिंग में, या फिर अगर आप ट्रेडमार्क से संबंधित कोई काम करते हैं जीआई से संबंधित यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, तब भी आप अप्लाई कर सकती हैं। तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कोर्ट केसेज में, आपका किसी भी वकालत के पेशे में किसी भी कोर्ट में कोई एक्सपीरियंस है 2 साल का, आप अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट है 30 साल। इसमें एसएसटी को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाएगी। सैलरी आपको 50,000 से ऊपर मिलेगी और वैकेंसी आई है टोटल 65 वैकेंसी इसमें आई हुई है। एसएसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सामान्य सबके लिए वैकेंसी इसमें आई है। बात कर लेते हैं इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट है 28 नवंबर। आप 28 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, साथ ही आप अपना भरा हुआ आवेदन का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं 29 नवंबर तक, और फॉर्म भरने के बाद आप उसका प्रिंट आउट अवश्य निकलवा लें, क्योंकि ये आपसे इंटरव्यू के टाइम पे मांगा जाएगा। बात कर लेते हैं कि आपको आवेदन कैसे करना है, तो आपको करना है www.upscionline.nic.in पे जाके, वहां से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, और इसके लिए फीस जमा होगी मात्र 25 रुपए। जी हाँ, इसके लिए फीस मात्र 25 रुपए है। और हम बात करें हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और बाकी भारत में आपको कहीं पोस्टिंग दी जा सकती है, और आपको एज पर रूल प्रोबेशन पर भी रखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन जो होगा वो इंटरव्यू के थ्रू होगा, लेकिन अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होते हैं तो एग्जाम भी कराया जा सकता है। इंटरव्यू में जनरल वालों को 50 मार्क्स, ओबीसी वालों को 45, एसएसटी पीएच को 40 मार्क्स लाने होंगे। वहीं अगर एग्जाम होता है तो उसमें 100 नंबर का एग्जाम होगा, उसमें भी यही कट ऑफ रहेगी। तो अगर एग्जाम होता है तो आपका सिलेक्शन 200 नंबर के बेस पर होगा, इसमें 100 नंबर का इंटरव्यू होगा, 100 नंबर का रिटर्न होगा। वहीं अगर सिर्फ इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू 100 नंबर का होगा, जिसमें जनरल वालों को 50, ओबीसी वालों को 45, एसएसटी पीएच को 40 नंबर लाने होंगे। अगर रिटन एग्जाम होता है तो वो आपके कंसर्न क्वालिफिकेशन के बेस पर ही आधारित होगा। एप्लीकेशन फीस के बारे में हम आपको फिर बता देते हैं, ये मात्र 25 रुपए है, और वो भी जनरल ओबीसी के मेल कैंडिडेट को देनी है, एसएसटी पीएच वुमेन कैंडिडेट को कोई फी पे नहीं करनी है। तो साथियों, महत्वपूर्ण दिनांक फिर सुन लीजिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट 28 नवंबर, और आप फॉर्म भरेंगे www.upscionline.nic.in वेबसाइट से। साथियों, मैं उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। धन्यवाद।